पूरे देश में अपने नाम की पहचान बनाने वाले श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी जी, अर्जुन सिंह जी, उमर साहब, इंद्रजीत पटेल जी, बाबू जी, और मैंने जिनको अपने लगे बड़े भाई की तरह सम्मान दिया, पूजनी सुंदर लाल तिवारी जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करती हूँ और सतत नमन करती हूँ। आज कांग्रेस पार्टी के नौजवान मिलनसार मेरे बेटे जैसे सम्मानी राज तिवारी जी, आईसीसी से आए हुए सम्मानी झा जी, सम्मानी सिंह साहब, मंच पर उपस्थित मेरे सभी बड़े भाई, पिता समान बुजुर्गों को मैं चरण स्पर्श करती हूँ। मंच पर बैठी हुई हमारी बहनें, और आज ये कांग्रेस का मंच खास तौर पर बहुजन मैं दिख रहा है, मेरे पुराने साथी आए हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। साथियों, जब मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की तो ये जो यहाँ बैठे हुए बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश में सरकार बनाने की हैसियत रखने वाले जो लोग हैं, मुझे सबसे पहले बधाई दिए और उन्होंने कहा आपने बहुत अच्छा काम किया, आपका निर्णय सम्मान योग्य है। और मैंने आप लोगों से बताया कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, अभी इस मंच के माध्यम से मेरी बहन गीता माझी जी बोल रही थी कि बहुजन समाज पार्टी भाजपा छोड़ के मैं बहुजन समाज पार्टी में आई, बहुजन समाज पार्टी अपने विचारधारा से भटक गई और कांग्रेस पार्टी में ये लगा कि कांग्रेस पार्टी वो विचारधारा की पार्टी है। जो मूवमेंट हम छोड़ के आए हैं पिछली पार्टी में, वो मूवमेंट को कांग्रेस पार्टी पूरा करेगी। साथियों, मैं आप लोगों को ये बता देना चाहूंगी कि मैं यहाँ के नेता से प्रभावित होके आदरणीय सुंदर भैया, आदरणीय अजय सिंह राहुल भैया और मेरे पिता समान कमलनाथ सर से मैं प्रभावित होके कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली हूँ। हमारे सभी साथी अभी मंगू भैया ये बधाई दे रहे थे, लेकिन कांग्रेस का कोई एक वर्ग मुझे बधाई नहीं दिया कि बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस में विलय हो गई है। साथियों, अभी हमारी बड़ी बहन विद्यावती पटेल जी ये कह रही थी, गीता माझी जी चर्चा कर रही थी तो विद्या जी ये कह रही थी बबीता नहीं आती तो मेरी हिम्मत नहीं होती। मैं ये आपको बताना चाहूंगी, बबीता साकेत वो शख्स है कि हर कठिन से कठिन परीक्षा को झेलने के लिए तैयार रहती है। और जब मैं बसपा से कांग्रेस में आई तो मुझे लग रहा था कि मैं कहाँ जाऊंगी, लेकिन मुझे इस बात का फख्र है मेरी सदस्यता राहुल गांधी जी के हाथों हुई। जहाँ मैं जिस दल में थी, मैं उस दल के नेता को मैं सम्मान करती हूँ आदरणीय बहन जी की, लेकिन जो ऐसे चम्मच लोग थे जिनके कारण हम लोग उनका दर्शन नहीं कर पाए, और मेरी सदस्यता जिसे देश में जनमत की सुरक्षा हो वो शख्स के हाथों मेरी सदस्यता हुई, उन्होंने मुझे बहन का दर्जा दिया और लाल गांव में मेरी सदस्यता हुई।